पूरे देश में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, वहीं अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और इस दिन को लेकर महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा खासी तैयारी की जाती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अंधेरी के मॉडल टाउन में स्वप्न छाया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भी जो है महाराष्ट्र दिवस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जहां पर बाइक रैली और महाराष्ट्र के कल्चर को दर्शाते हुए लोगों के बीच में जो है बाइक रैली और महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है स्वप्न छाया चैरिटेबल ट्रस्ट के आयोजक और इस रैली के आयोजक शिवसेना नेता देवेंद्र बाला अम्बेडकर जी, उनसे जानते हैं। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? महाराष्ट्र दिन ऐसा है कि महाराष्ट्र दिन के स्थापना 1 मई को हुई थी और उसी उपलक्ष्य में मराठी भाषियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और पारंपरिक जो हमारा सन है वो दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं और इसलिए हम महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन ये जो धूम धड़ाके से इस विभाग में हम मनाते हैं। प्रथम सभी महाराष्ट्रीयन लोग और मराठी बंधु भगिनी को सभी लोगों को इस महाराष्ट्र दिन की और कामगार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह से आज यहां पर सिलाई मशीन भी बांट रखा गया था, महाराष्ट्र दिवस के मौके पर क्या क्या आयोजन किया गया है संस्था द्वारा? अपने हमारा सपना के जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो गई 35 साल से इस विभाग में सेवा काम करती है। इस विभाग में रास्ते बनाए हम लोग ने, उसके बाद चाचा नेहरू पार्क हमारा है और बहुत सारे सामाजिक उपक्रम, मेडिकल कैंप वगैरह हम लोग लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे हम लोग सामाजिक सेवा लोगों को देने की कोशिश करते हैं। और आज महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य पे इस विभाग में जो हमारी एक संस्था इनिशिएटिव सिटीजन फोरम, उन्होंने मोफत पेस्ट कंट्रोल इस विभाग करने शुरुआत करने का काम आज शुभारम्भ किया है। वैसे और गरीब लोगों को, हैंडीकैप लोगों को हम हैंडीकैप साइकिल देते हैं, वैसे इस मौके पर आज हमने एक सीनियर सिटीजन को सिलाई मशीन दी। धन्यवाद हमसे बात करने के। जिस तरीके से आपको हम दिखाने चाहेंगे कि महाराष्ट्र की जो कल्चर है उसको जो है महाराष्ट्र के दिवस दिन के मौके पर 1 मई को महाराष्ट्र दिन का सेलिब्रेशन होता है, पूरे जोर शोर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र की संस्कृति को किस तरह से आज के दिन दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है घोड़े पर तैनात है, घोड़े पर बैठे हुए लोग हैं जो है, और साथ ही कल्चर में यहाँ पर महाराष्ट्र दिवस की जो धूम है उसमें हर कोई बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाराष्ट्र दिवस मना रहा है, चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, जो यहाँ की कल्चर है, जो यहाँ के पारंपरिक वेशभूषे हैं उसमें हर कोई जो है लिप्त है, हर कोई महाराष्ट्र के पारंपरिक वेशभूषे में यहाँ पर डांस करता हुआ झूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चे जो है ढोल की ताल पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो महाराष्ट्र की संस्कृति के पारंपरिक जो डांस है, लावणी डांस है या ऐसे तमाम डांसों को जो बच्चे देख रहे हैं, लोग बिल्कुल मस्त हैं यहाँ पर कि महाराष्ट्र दिवस की जो झांकी है वो रैली जो है मॉडल टाउन से निकाली गई है और ये रैली जो है स्वप्न छाया चैरिटेबल ट्रस्ट और शिवसेना के द्वारा निकाली जा रही है। बड़े हर्षोल्लास से जो है यहाँ पर लोग जो है रैली निकाल कर और महाराष्ट्र दिवस जो है मना रहे हैं। ऐसे में बात करें क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी और यहाँ के पारंपरिक जो गीत जो ढोल आते हैं देख सकते किस तरह से लोग जो है किस तरीके से फिरकते नजर आ रहे हैं। हर कोई जो है महाराष्ट्र दिवस के सेलिब्रेशन में डूबा हुआ है हर कोई, क्योंकि आज महाराष्ट्र दिवस के साथ साथ पूरे देश में मजदूर दिवस भी मनाया जा रहा है। सरकार जो है 1 मई 1960 से सरकार राज्य सरकार द्वारा भी अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, आज के दिन छुट्टी भी रखी जाती है और लोग जो है बड़े ही हर्षोल्लास से जो है महाराष्ट्र दिवस का सेलिब्रेशन करते हैं। ये तमाम बाइक सवार हैं जो बाइक रैली के द्वारा जो है महाराष्ट्र दिवस मना रहे हैं,
लोगों में काफी उत्साह है। हमारे ऐसे में अगर बात करें तो लोग महाराष्ट्र दिवस को लेकर काफी उत्साहित हैं। आप लोग बाइक रैली निकाले हैं, क्या कहेंगे? आज महाराष्ट्र दिन है, आज महाराष्ट्र दिन है, इसके लिए हम लोग आज का महाराष्ट्र का पहला मेड़े में हम लोगों दिनाचरण मनाता है, इसके लिए हम लोग बाइक रैली निकाला है। और इसका जो आयोजित किया हुआ है देवेंद्र बाला अम्बेडकर साहब हमारा एरिया का नेता है, उन्होंने हर साल ये महाराष्ट्र दिन अपना रैली निकलता है, इसमें हम लोग सब लोग मिल के इसमें बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी उत्साहित है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है बाइक सवार जो है रैली में है और हर कोई जो है महाराष्ट्र दिवस को मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तमाम लोग जो है महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बाइक रैली निकालकर लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जो संस्कृति है वो सबसे अलग है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी उत्साहित हुए महाराष्ट्र दिवस को लेकर। 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी, हालांकि उसके पहले तो आज़ादी के बाद से महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ देखे जाते थे, लेकिन हमारे देश में आज़ादी के बाद से भाषा के आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा हुआ और महाराष्ट्र का जो स्थापना हुआ वो 1 मई 1960 को हुआ। तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र में 1 मई को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन की मैं सर्वप्रथम शुभेच्छा देता हूँ। आज स्वप्नाक्षय चैरिटेबल ट्रस्ट ने यहाँ पर रैली का आयोजन किया है। आने वाले जनरेशन को इस दिन का महत्व समझना चाहिए कि हमारे जो हुतात्मा जो हुए थे उन्होंने जो शौर्य बता के महाराष्ट्र को प्राप्त किया था, उनको अभिवादन करने के लिए रैली का आयोजन किया गया हुआ है। और कामगारों को शुभेच्छा देता हूँ कि उनकी एकजुट पे आज ये दो दिन जो आज मनाया जा रहा है, मैं दोनों ये दिनों की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी और कामगारों को न्याय मिलाने का दिन भी आज का दिन था, मिलने का दिन भी आज का दिन था। ये बहुत बड़ा दिन है। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के दौरान आपको सारी पार्टियाँ नजर आ रही थी, लेकिन अभी आप देखिए कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद सारी पार्टियों की दुकानें बंद हो गई, सिर्फ काम कर रही है कौन? शिवसेना। आज आप देखिए कि किसी भी अन्य पार्टी का कार्यकर्ता आपको 1 मई महाराष्ट्र दिन कामगार दिन के इस शुभ दिन पर आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ता महाराष्ट्र दिन मना रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। और इलेक्शन हो या ना हो, हम साल के 365 दिन काम करते थे, काम करते हैं और काम करते रहेंगे। सभी को 1 मई महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छी तरीके से मैं सभी को प्रथम महाराष्ट्र दिन के हार्दिक शुभेच्छा। और बहुत अच्छी तरह से जो आप देख रहे हैं ये 1 मई को हम लोग जो इतने सब ग्राउंड लेवल पे उतरे, वो सबसे अच्छी बात है। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।